इससे बहुत ही ज़्यादा ना हॉरर इस वक्त लाइफ में चल रहा है, क्योंकि ना प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और एक टूर भी अरेंज करवाना था साहिब के थ्रू, लेकिन वो भी पता नहीं कितनी मुश्किल उसमें भी आ रही हैं ना। कभी चेयरमैन नहीं मानते, कभी तरबेला वाले नहीं मानते। 5th वीक हो गया और ओबी और सीटी का दो सब्जेक्ट हैं जिनका अभी तक टीचर ही नहीं आया। तो इन शॉर्ट माड़े हालात चल रहे हैं बहुत ही। तो ना इसको थोड़ा सा कवर अप करने के लिए मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम, और ये म्यूज़ियम टेक्सला के करीब है। मुझे नहीं पता अंदर क्या है कुछ खास, और ये भी नहीं पता कि क्या मुझे फ़ोटोग्राफी अंदर करने देंगे या नहीं देंगे। ये जो आपने हॉरर देखा ना, सिर्फ चाबी ली है मैंने बाइक की, क्योंकि मेरे पास तो ना ही बाइक था। तो बस फिर भी मैं जाता हूँ, बाकी मुलाकात होती है आपको वहाँ पर। पहुंच गए हैं तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटी से ना, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में था। यूनिवर्सिटी से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है, और ओल्ड अभी मैं नहीं कह सकता अंदर क्या है, बट आर्कियोलॉजी तो आई हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, पत्थरों वगैरह, स्टोन एज आई गेस। लेट्स सी। जैसे ही इंटर होंगे तो सर जॉन मार्शल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आई थिंक कहीं पाक स्टडीज़ में पढ़ा था इनके बारे में। और ये हैं पीकी ब्लाइंडर्स। ये देखें उस दौर में सारा जो यार, सामान सोचने इस्तेमाल की बात, उस टाइम के ऐसे बर्तन से करो, कितने उस कमाल, टाइम ऐसे कितने पूछ रहे हो कमाल जिस तरह 100 साल नहीं 1000 साल पहले की बात हो रही यार। 100 साल पहले बाहर मुल्क से देखो सामान आया था। है। हाँ अच्छा है, आज भी इसी में का इस्तेमाल होते हैं इसी तरह की चीज़ें। खैर आगे चलते हैं। अब ये द ड्रीम ऑफ क्वीन माया, ये एप्लीकेशन भी है, अगर कोई क्वीन माया के बारे में पढ़ना चाहता है तो ये उसकी हिस्ट्री है। थ्रो स्टोन्स उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह उनका ख्वाब था और ये हॉस्टल कैसे दिया। क्रेविंग चेक कर रहे हैं बस आप उस दौर की, तकरीबन 563 बिफोर मतलब BC, तो देख लें 100 साल, कितने सौ साल 1500 साल, पहले। क्योंकि 2000 चल रहा है ना, तो 500 की बात है, तो 2000 साल पहले, 1500 साल पहले। जो चीज़ देखने की है वो ये है कि 1500-1600 साल पहले की बात है, और 2500, और देखें क्रेविंग्स चेक करें कितने प्यारे तरीके से इन्होंने, ये देखो बादशाह बैठा है पलंग पे वो ये सारा। देखें बादशाह और उनकी बची ये जो भी। अच्छा उन लोगों के धड़ धड़ के मुड़ियाँ यहाँ पे निकाल के रखी। वाह चूने के कदीम, ये ऑलमोस्ट 20 to 2500 पुरानी हिस्ट्री पढ़ लें भाई, मुझे नहीं पता।
अच्छा पता है क्या, इसके बैक एंड पे कोई हिस्ट्री चल रही है बहुत बड़ी। देखो ऑर्डर वाइज चल रहा है कि कत्ल करने का, कत्ल कत्ल करने को उस दौर में पिक्चर्स नहीं होते, तो उन्होंने मतलब स्टोन्स के ऊपर ही पिक्चर्स के थ्रू बता दिया है। देखो मार रहे हैं इसको, मतलब देखें हमसे असाइनमेंट्स नहीं बनाई जाती हैं आजकल, ये पत्थर पे ही लगे रहे हैं यार। असल माल तो यहाँ पे यार, मेरी अंगूठी की कलरिंग मतलब नग ही गिर गया। ये हुस्न की मलका अच्छा आप लोगों को अगर पता हो तो टेस्ला जो है वो 2000 से 25 मतलब कहें 2000 साल पहले ये एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी बाकायदा, जहाँ पे लोग पढ़ने आया करते थे। तो अगर देखा जाए तो ये हिस्टोरिकली टेक्सला एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। तो जहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला है ना, उसको हम कह सकते हैं कि वो उस जगह पर बनी हुई है। हैरत वाली बात यह है कि आप देख रहे हैं शेप, इतनी प्योर ज्योमेट्रिकल शेप, और ये लोग बनाते थे पत्थरों से। ये देखें उस दौर में भी दिल इसी तरह का, पुराने ज़माने में ना दिल ऐसे दिए जाते थे, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग यार देखें चांदी का भी काम, और ये तकरीबन 2200 साल पहले चांदी का, कितना प्यारा काम यार। ये सारे हैंड पैसे पूरे हो गए चले। हाँ और असल में आने की वजह ये थी क्योंकि और तो कोई मिल नहीं रही, तो बस हमने कहा इसे काम चले। ये उस वक्त बैलों को नहीं मतलब किसी को दिए जाते हैं, हमें चांदी के जेवरात बैलों को पहनाए जाते थे, लोग पहनते थे। ये अजीज सिक्के का नाम है, और किंग ऑफ टेक्सला उसके दौर में, और दैनिया सारा कुछ। और ये कोई तारीख अगर पढ़ना चाहता है, यही है तारीख असल में। देखो यहाँ पे उन लोगों ने कहा खुदाई के वक्त, शहर की खुदाई के वक्त इन लोगों को अंदर से वो खानकाएं और बुद्ध मत की ना वो मिली थी चीज़ें वगैरह मिली थी, तो उसके बाद उन लोगों ने इसके ऊपर म्यूजियम बनाया और वो सारा कुछ। ये लो जब हुस्न की देवी का ये हाल है, तो फिर हम टेक्सला को क्यों कोसें यार। ये पत्थरों पे उस दौर में लिखा जाता था, अंडर 500 ऑफ एडी में दरख्त की छालों पर लिखा जाता था, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना उसके ऊपर ये लोग लिखा करते थे। ये उस दौर के फ्राई पैन यार, सॉस पैन, और ये तेल नापने के पैमाने। ब्रिलियंट, ये तय होने वाली कुर्सी, फोल्डिंग चेयर, इस पे गद्दा मिसिंग है जाहिर है, थोड़ी ब्लैक है। ये हाथी के दांतों से भी बनाया हुआ सामान, वाओ। और ये खिलौने भी आ गए, मतलब कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं। सीटियाँ 400 बिफोर क्राइस्ट नहीं बोल, ये जी वाटर कंडेंसर। द कंडेंसिंग वॉज डन एज शोन इन द मार्जिनल स्केच, द वेल यूज फॉर कंडेंसिंग कंसिस्टिंग ऑफ कंडेंसर रेस्टिंग इन द डीप बाउल ऑफ वाटर कंडेंसिंग इन द हैंडल। हाउ कैन दे सोच इट यार। ये जी फावड़े, वाओ। आलाते जरामी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एक घोड़े की लगामें, संगे सुलेमानी, कीमती तरीन पत्थर यार, वो देखो
इसको ये ब्लैक स्टोन कहते हैं, ये वाला ये जो है संगे सुलेमानी, ये मेरी अंगूठी के लिए चोरी करना है। मादनियात के नमूने हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग यहाँ पे हमारा स्कूल का ट्रिप आया करता था, और देखो कितना टाइम गुजर गया है कि अब ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे साथ ही है, बाइक पर अभी हम लोग आए और हम लोग यहाँ से मतलब यकीन करें इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें थी और मतलब कैसे बना लिया, लेकिन बनाई कैसे, मज़ा ज़रा भी नहीं आया क्योंकि इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी। हाँ असल में वहाँ पर हुस्न की देवी थी लेकिन उसका मुँह ही नहीं था, तो बस वापसी की तरफ। यार हाँ एक बात करनी थी, बल्कि मैंने अभी ना मुझे सर मिले थे एक, उन्होंने कहा था कि मैंने लास्ट व्लॉग में कुछ गलत बोला हो, गलत ये बोला हुआ है कि एडमिशन्स जो हमारे हुए हैं उसकी रीज़न ये थी, यूनिट टेस्ट में जो नए एडमिशन्स हुए हैं मतलब जो बैच सेकंड आया उसकी रीज़न ये थी कि पीसी ने सीट्स बढ़ा दी थी, पहले 150 सीट्स थी और बाद में वो 200 कर दी थी, तो अच्छा। इसलिए नेक्स्ट जो 50 सीट्स हैं ना उनको फिल करने के लिए ये दोबारा से एडमिशन खोले थे, पिछले व्लॉग में ना उसमें थोड़ी गलत दिखाते थे, तो असल एक्चुअल ये रीज़न थे इसी वजह से नए एडमिशन ओपन हुए हैं। और वो बस अगर आप लोग यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ना आएँ, ये व्लॉग देख लें आप लोगों के लिए बहुत है। नहीं यार अगर आप आना चाहते हैं ना तो आप पहले पढ़ के आएँ इस चीज़ को, नहीं मतलब जिनका शौक है ना बेस्ट, इन लोगों की एप्लीकेशन है, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसको सारे को रीड करो और उसके बाद एक एक जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। नहीं और वैसे भी कुछ लोग ऐसे आर्कियोलॉजी के बहुत लवर्स होते हैं, उनके लिए अच्छी जगह है, तो बाकी बस अब वापसी। ऐसे भी सेकेंड टाइम लेक्चर था तो आई गेस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।